हेलो बच्चों, एम ऑडिबल, चलो रिप्लाई करो जल्दी। हाँ चलो, तो सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हमारा। ओके चलो रिप्लाई करो एक बार। हाय शिवम, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। रेडी है सब बच्चे? हाय करण। चलो तो अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में। वेलकम पूजा। चलो करना है स्टार्ट। चलो आ गए बच्चे। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। तो हमने रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है 2021 के बच्चों के लिए, जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चों एमएसटी सीईटी का, उनके लिए इसका होगा आज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आज का टॉपिक है। और आज सबको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बच्चों ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, है ना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? जब आप प्योर सॉल्वेंट पे नॉन होलेटाइल सोल्यूट एड करेंगे बच्चों, तब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब पहले बॉइलिंग पॉइंट कम था। पहले आपके पास क्या होता है? टीबी जीरो होता है, मतलब प्योर सॉल्वेंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था बच्चों। अब आपके पास टीबी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। जीरो क्या इंडिकेट करता है? प्योर सॉल्वेंट। मतलब डेल्टा टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आप सब्सट्रैक्ट करते हो, मतलब टीबी में से टीबी जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको डेल्टा टीबी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है बच्चों केबी इंटू मोलैरिटी। केबी होता है मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। केबी क्या होता है? मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है बच्चों। केबी होता है मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। उसका यूनिट क्या होता है केबी का? केल्विन केजी पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल बच्चों। ओके हाँ करण, अन एकेडमी ऐप में भी क्लास होता है, एक सुबह 9:45 को, दूसरा 12:15 को और तीसरा 4 PM को होता है। ओके, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास मतलब W1, जो आपको केजी में लेना है, इन केजी। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। फिर हम क्या करते हैं, M2 का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मतलब M2 मतलब क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। और M2 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? M2 का फॉर्मूला होता है KB इंटू W2 इंटू 1000 और अपॉन में होगा W1 इंटू डेल्टा TB। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ पे 2 इंडिकेट करता है सोल्यूट। ठीक है, 2 क्या इंडिकेट करता है बच्चों? सोल्यूट को इंडिकेट करता है, और 1 इंडिकेट करता है बच्चों सॉल्वेंट को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो ये पहला सवाल है बच्चों जो आपको सॉल्व करना है। चलो आएगा, चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, बताओ क्या होगा आंसर। चलो अदिति ने कर दी कमेंट। चलो स्पीड बढ़ाओ अपना, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। आएगा ना? श्यामल का कहना बी है, शशि का कहना बी है। ओके देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो बच्चों, जब आप 1 मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट पे डालेंगे, तो आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसने क्या बोला है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल, मतलब 1 मोल है। और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया है? 1 kg, मतलब 1, तो मोलैरिटी 1 है।
इसका मतलब क्या है बच्चों, मोलैलिटी कितना है, वन। और अगर मोलैलिटी वन है तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब मोलैलिटी वन है बच्चों तो केबी इंटू वन होगा, मतलब आपका आंसर केबी होगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होगा बच्चों केबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी। क्लियर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी। और केबी क्या होता है, केबी को कहते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चों इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। मतलब बी आंसर सही होगा, इसे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल, चलो करो अभी इसका आंसर करो। आएगा क्या, चलो जल्दी जल्दी बताओ, आएगा बच्चों। स्पीड बढ़ाओ अपना, बताओ क्या होगा आंसर। करण का कहना बी है, देखो क्या दिया है हमें यहां पे, 2.4 × 10⁻²⁰ अमोनिया इज डिजोल्व इन 600 ग्राम वाटर। मतलब देखो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, 600 ग्राम है, मतलब देखो W1 दिया है बच्चों आपको, क्या दिया है W1 कितना है, 600 ग्राम सॉल्वेंट के लिए वन, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट होगा तो अमोनिया सोल्यूट होगा, मतलब ये वाला जो आंसर आपको दिया है ये W2 का है बच्चों, 2.4 × 10⁻²। लेकिन ये केजी है, हमें ग्राम में चाहिए, तो केजी को ग्राम में करना है तो 10⁻³ ग्राम है ना, मतलब ये कितना होगा, 3 − 2 मतलब 1, 10⁻¹ मतलब ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये आंसर आएगा 24 ग्राम, कितना होगा, 24 ग्राम होगा। उसके बाद केबी ऑफ वॉटर इज, हमें केबी दिया है, उसके बाद देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी इज, मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, डेल्टा टीबी कितना होगा बच्चों ये हमें निकालना है। तो समझो अमोनिया दिया है तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और NH3 के लिए नाइट्रोजन, इसका अगर मोलार मास निकालेंगे बच्चों तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, 3 बार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो ये होगा 14 + 3 मतलब होगा 17 g/mol, ये अमोनिया का मोलार मास होगा, मतलब M2 होगा बच्चों, मोलार मास ऑफ अमोनिया। अब देखो मेरे पास M2 का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, KB into W2 into 1000 है ना, अपॉन में क्या होगा बच्चों, W1 into डेल्टा TB, ये वाला फॉर्मूला है। अब सुनो M2 का फॉर्मूला तो हमें मिल गया, KB into W2 into 1000 अपॉन W1 into डेल्टा TB, तो M2 हमने अभी अभी निकाला कितना है, 17। KB बच्चों हमें दिया है कितना, दिया है 0.52, पुट करेंगे 0.52। W2 कितना है, 24, ये भी पुट करेंगे, इनटू आएगा 1000 बच्चों, अपॉन में आएगा W1, W1 हमें दिया है 600, ठीक है, इनटू डेल्टा टीबी वो हमें पता नहीं है। अब क्या करेंगे, आगे देखो आगे क्या करेंगे बच्चों, अब हमें डेल्टा टीबी निकालना है तो डेल्टा टीबी को शिफ्ट करेंगे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पे बचेगा 0.52, तो 0.52 ये होगा बच्चों 24, ये है 1000, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, ये 1000, नीचे है 600, इनटू होगा बच्चों 17। अब देखो क्या क्या कैंसल होगा, तो ये 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 1 6 4 24, ठीक है। अब ये पॉइंट मैं 2 से शिफ्ट करूंगा तो ये होगा बच्चों आपका 52 × 10⁻²। पॉइंट अगर राइट में शिफ्ट किया है तो पावर माइनस होगा, इनटू 4, इनटू होगा 10 और अपॉन में होगा बच्चों 17, ठीक है। अगर आपको पता होगा बच्चों तो 17 1 17 3 51, मतलब लगभग 3 आएगा, और अगर लगभग 3 आएगा तो 4 × 3 होगा बच्चों 12, और 10 का पावर कितना होगा, देखो -2 और ये 1 है, मतलब -1 होगा 10 का पावर, मतलब आपका आंसर 1.2 के करीब होगा। अब 1.2 के करीब आपका सी ऑप्शन है,
1.2 के करीब बच्चों आपका सी ऑप्शन है, करेक्ट है, क्लियर है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल करो। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। आएगा ना, चलो करो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। न्यूमेरिकल है बच्चों, जिन्हें आता है वो ट्राई करो, जिन्हें नहीं आता वो इधर ध्यान दो, ठीक है, मैं सॉल्व करके दूंगा। व्हेन सर्टन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इज डिजोल्व इन 32 ग्राम ऑफ CCl4, मतलब एक कंपाउंड है जिसे डिजोल्व किया है 32 ग्राम CCl4 में, ओके, मतलब ग्राम है मतलब मास है बच्चों, कंपाउंड को डिजोल्व किया है CCl4 में, CCl4 क्या होगा, इसमें डिजोल्व किया है मतलब CCl4 सॉल्वेंट होगा, वन है बच्चों। हैज अ बॉइलिंग पॉइंट 0.398 के विच इज हायर देन CCl4, CCl4 से इतना ज्यादा है, मतलब चेंज कितना है 0.98 का, मतलब ये जो आंसर है ये डेल्टा टीबी का है बच्चों, इतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ओके। उसके बाद मोलार मास ऑफ कंपाउंड इज, मोलार मास दिया है कंपाउंड का मतलब हमें M2 दिया है, देन द मास ऑफ द सोल्यूट विल बी, सोल्यूट का मास क्या होगा, सोल्यूट का मास मतलब W2, ये हमें निकालना है ना, सोल्यूट इस है, सोल्यूट है इसलिए 2 लगाया, मास के लिए W, और KB आपको दिया है, फिर से वही फॉर्मूला, M2 का फॉर्मूला क्या है बच्चों, KB इंटू W2 इंटू होगा 1000 अपॉन में होगा बच्चों W1 इनटू होगा डेल्टा टीबी, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो आगे, M2 कितना है बच्चों हमारे पास 132 है, पुट करेंगे 132, KB कितना है बच्चों देखो, KB का वैल्यू 5.02 पुट करेंगे, W2 बच्चों हमें निकालना है 1000, और नीचे क्या होगा देखो, W1 दिया है हमें 32 पुट करेंगे 32, और डेल्टा टीबी कितना है 0.398, 0.398, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें W2 निकालना है तो बाकी सब शिफ्ट करो, अब ये होगा 132 इंटू मल्टीप्लाई में 32 इंटू 0.398, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में आएगा 5.02 और इंटू होगा 1000, ओके, और यहां पे बचेगा W2 बच्चों, कुछ ऐसे होगा। अब सुनो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करता हूं, कैसे एडजस्ट करूंगा देखो, अगर ये 398 है बच्चों तो ये पॉइंट अगर मैंने 3 से शिफ्ट कर दिया तो 398 बन जाए लगभग 400 है, 398 मतलब लगभग कितना है बच्चों 400 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 132 इंटू 32 इंटू 400, और 10 का पावर होगा -3, नीचे होगा बच्चों 5.02 मतलब 5, और ये 10 का पावर 3 होगा, ओके, कुछ इस तरह का होगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, अब ये 5 है यहां पे 32 है तो 5 1 5 6 13, ओके, कुछ ऐसे होगा बच्चों। अब आगे देखो, अब ये 132 है इंटू 6 है बच्चों इंटू 4 है, और 10 का पावर कितना बचेगा, 2 0 यहां पे कैंसिल कर दिए बच्चों, तो ये 10 का पावर -1 बचेगा, ये 10 का पावर 3 ऊपर गया तो 10 का पावर -3 होगा, और यहां पे बचेगा बच्चों W2, तो मतलब यहां से हम W2 निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, W2 निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 6 2 12 कैरी 1, 6 3 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 6 1 6 प्लस 1 7 इनटू है 4, और 10 का पावर होगा -4, ये होगा बच्चों W2। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 4 9 36 कैरी होगा 3, 4 7 28 प्लस 3 31, और 10 का पावर कितना है बच्चों -4, ठीक है। अब ये W2 होगा, अब पावर -4 है तो पॉइंट यहां पे शिफ्ट होगा, मतलब 0.3168, ठीक है, 0.3168 ये आपका आंसर होगा, 0.31, ये देखो अप्रोक्सीमेट बी आंसर करेक्ट होगा बच्चों, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा, ओके। चलो आगे की बात करते हैं, अगला सवाल बच्चों ये वाला करो, अभी
चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका। स्पीड बढ़ाओ अपना, बताओ क्या होगा आंसर, आएगा ना? आएगा बच्चों? करो जल्दी जल्दी करो सॉल्व, बताओ मुझे क्या होगा। तो क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है बच्चों, ठीक है, केबी दिया है बेंजीन के लिए, मतलब केबी किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, मतलब बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी जीरो है ना, और केबी का वैल्यू भी हमें दिया है। देखो उसके बाद इफ सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजोल्व इन बेंजीन बॉइल्स एट 354 केल्विन, देखो ये अगर टीबी जीरो है बच्चों तो ये क्या होगा, टीबी होगा, क्योंकि सर्टन सब्सटेंस बेंजीन में डिजोल्व किया है बच्चों। देन मोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस, हमें मोलैरिटी निकालना है, तो हमारे पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है बच्चों केबी इंटू मोलैरिटी, ये वाला फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, केबी इंटू मोलैरिटी। अब देखो अब बच्चों हमारे पास डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी जीरो। अब टीबी कितना है, 354, उसमें से माइनस कितना करना है बच्चों, 353.35, अगर ये माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 0.65 है ना, ये 0.65 केल्विन आपका आंसर होगा डेल्टा टीबी का। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0.65, केबी हमें कितना दिया है बच्चों, 4.25, और हमें मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी यहाँ पे वैसे के वैसा, ओके हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब 4.25 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे है 0.65, नीचे है 4.25, यहाँ पे बचेगा बच्चों मोलैरिटी, क्या बचेगा यहाँ पे, मोलैरिटी। अब ये पॉइंट मैं 2 से शिफ्ट करूंगा, ये पॉइंट 2 से शिफ्ट करूंगा, तो ऊपर बचेगा 65, नीचे बचेगा 425, यहाँ पे आएगा मोलैरिटी। अब बच्चों आप इसे किससे डिवाइड कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हो क्या, देखो 65 है, क्या होगा, 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 3 है ना, मतलब 13 आएगा, और यहां 5 से करेंगे तो 5 8 40, 25, 5 5 मतलब 85, मतलब ये आएगा 13/85, यहां पे होगा बच्चों आपका मोलैरिटी, क्या होगा आपका मोलैरिटी। अब क्या करेंगे बच्चों, मैं इसे 130 कर देता हूं, 10^-1 करता हूं, ठीक है, 10 बढ़ा दिया, 10^-1 लिया, नीचे 85 आएगा, यहां पे बचेगा मोलैरिटी बच्चों। अब ये आंसर कितना होगा आपका, आंसर क्या होगा, 85 का अगर डबल करेंगे तो इतना नहीं होगा बच्चों, है ना, डबल से कम होगा, मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, और 10^-1 है, यहां पे आएगा मोलैरिटी, मतलब ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट होगा, तो आंसर 0.1 ऐसे कुछ तो भी आएगा, मतलब डी आंसर करेक्ट होगा, ओके 0.1 कुछ तो भी आंसर होगा, मतलब डी आंसर करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलो बताओ, और बहुत बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, ठीक है। देखो इसका आंसर ट्राई करो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आंसर बताओ क्या होगा। लुकेश का कहना है ए, अलमास का कहना है सी, पवन का कहना है सी, और
देखो हाई अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर बच्चों, है ना, हाई अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई पर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बिकम्स लो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बिकम्स लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऊंचाई पर लो होता है, ऐसा क्यों? तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर, है ना, और जिस टेम्परेचर पर क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पर सेम होते हैं उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम हाई ऊंचाई पर जाते हैं बच्चों, तो ऊंचाई पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, है ना, ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा बच्चों, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम टेम्परेचर देना होगा आपको, है ना, मतलब हाई अल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लो होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा ऊंचाई पर, उसकी वजह से कम वेपर प्रेशर चाहिए तो कम टेम्परेचर देना होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल, चलो आएगा बच्चों, वेन सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर करो, वेन सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, देखो तो बच्चों अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर का वो इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है, जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे। ओके चलो अगला सवाल, अब है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा मतलब पहले ज्यादा था, अब पहले ज्यादा था मतलब टीएफ जीरो ज्यादा था, जीरो सॉल्वेंट के लिए, और ये ज्यादा था और जो टीएफ होगा सॉल्यूशन का वो कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा सॉल्यूशन का कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का उसमें से माइनस करेंगे बच्चों, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू मोलैरिटी, जैसे डेल्टा टीबी का था, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया था, और यम टू क्या होता है, सेम फॉर्मूला, यम टू का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे के एफ आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में के भी आया था, के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड और अपॉन में आएगा डब्ल्यू वन इंटू डेल्टा टीएफ, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा बच्चों, ये एम टू का फॉर्मूला होगा। अब इस पे सवाल, चलो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर करो, बताओ क्या होगा, आएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, स्पीड बढ़ाओ अपना, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बच्चों। चलो हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अक्षय गलत हुआ ना, अक्षय इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, देखो इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों, इनकरेक्ट बी नंबर है, तो देखो ग्रेटर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ग्रेटर द फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन,
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, ऐसे बोला है। तो देखो मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेटर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जितना वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर का लोअरिंग जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये करेक्ट है बच्चों। क्योंकि अगर वेपर प्रेशर लोअर हो गया तो उसे ज्यादा हीट करना होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रेटर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है बच्चों तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। क्योंकि देखो दोनों के नाम में क्या है, वेपर प्रेशर। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है। लोअरिंग मतलब कम होना, डिप्रेशन मतलब कम हुआ, ठीक है। अगर ग्रेटर लोअरिंग हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा, लोअर होगा, ठीक है, कम होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो सेम वेपर प्रेशर, सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों, बी नंबर। अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, इसने ज्यादा बोला है बच्चों, इसलिए बी आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। अगला सवाल, अगला सवाल, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर होता है अल्मास जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स ओन सॉलिड, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। चलो करो जल्दी, क्या होगा, बहुत बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया नहीं है, चलो जल्दी जल्दी लाइक करो। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बच्चों, ताकि नोट्स आपको मिल सके, पीडीएफ नोट्स। देखो क्या बोला है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, बी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट चेंज होता है तो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब केएफ चेंज होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। वाटर का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, है ना। अगर सॉल्वेंट चेंज होता है तो केएफ का वैल्यू बच्चों सेम होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, आएगा बच्चों, देखो जिन्हें आता है वो ट्राई करो, जिन्हें नहीं आता वो यहां पे देखो, मैं करके दिखाता हूं। अ सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 20 ग्राम वाटर, ठीक है, एक वाटर है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर सॉल्वेंट होगा तो ये W1 है, ग्राम है, मास है, और ये क्या होगा W2 होगा, ये क्या होगा W2 होगा, एक W1 एक W2। फ्रीजेस एट 271.94 केल्विन, 271.94 केल्विन। इफ केएफ का वैल्यू हमें दिया है बच्चों, देन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट विल बी, मॉलिकुलर वेट मतलब M2 हमें निकालना है। अब देखो हमें फ्रीजेस एट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मतलब हमें TF दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, और वाटर के लिए TF0 कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बता सकता है कोई, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, 273.15 केल्विन, है ना, 273.15 केल्विन। बराबर है क्या, अरे बराबर है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। अब देखो
अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, यम टू का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 और अपॉन में होगा डब्ल्यू वन इंटू होगा डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ हमें निकालना होगा, तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा? तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है टी एफ 0 माइनस टी एफ, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ का। अब टी एफ 0 कितना है देखो, 273.15, 273.15 उसमें से माइनस करेंगे 271.94, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा देखो, 15, 5 माइनस 4 1, 11 माइनस 9 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 है ना, कुछ ऐसे हो। क्लियर बच्चों? तो 1.21 होगा, 1.21 होगा बच्चों ये। तो डेल्टा टी एफ मिल गया, यम टू हमें निकालना है। के एफ कितना है? 1.86, पुट करेंगे 1.86। डब्ल्यू टू कितना है? 1.25, ये भी पुट करेंगे बच्चों, इंटू 1000 और अपॉन में होगा डब्ल्यू वन। डब्ल्यू वन कितना है? 20 और डेल्टा टी एफ 1.21, ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना होगा? 1.21। अब आंसर देखो बच्चों आपका क्या होगा यहाँ पे, अब आपको कैलकुलेशन करना होगा। एक जीरो कैंसिल होगा। अब यहां अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर होगा 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट। यहाँ पे 2 9 18, 2 3 6, 0.93, ये 1.25 इंटू 100, 100 मतलब 10 का पावर 2, और नीचे होगा देखो, नीचे होगा 1.21। मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट 2 से शिफ्ट करूंगा, ये पॉइंट 2 से शिफ्ट करूंगा, तो आंसर क्या होगा देखो, अभी आंसर क्या होगा, तो ये 0.93, ये पॉइंट अगर 2 से शिफ्ट किया तो 125 10 का पावर 2, और नीचे 121, उसे मैं 120 ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, किससे डिवाइड कर सकते हो? 5 से कर सकते हो। यहां पे 5 2 10, 2 0 मतलब 5 4 20, और यहां पे आएगा 25, ठीक है। मतलब अगर यहां पे बच्चों क्या करेंगे आप देखो, ये 10 का पावर 2 है, तो ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट होगा, मतलब ये 93 होगा, और ये आंसर देखो 25 डिवाइड बाय 24, मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब 93 को अगर 1 पॉइंट समथिंग से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 109 के करीब करीब होगा, मतलब डी आंसर करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है, डी आंसर करेक्ट होगा। 93 और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 93 से 1 पॉइंट समथिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 के करीब करीब 109 है बच्चों, तो डी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों, चला सांगा पटापट काय असेल याचा आंसर। बघा, ज्यांना येते ते सॉल्व करा, ज्यांना येत नाही ते इकडे लक्ष द्या। काय सांगितलेलं आहे? द अमाउंट ऑफ युरिया टू बी डिझॉल्व इन 500 ml ऑफ वॉटर, वॉटर दिलेलं आहे आणि ml म्हणजे लिटर मध्ये। फक्त तुम्हाला एक गोष्ट माहित पाहिजे, वॉटर जेवढा तुम्हाला 500 ml दिलेलं आहे ना, जेवढं ml तुम्हाला वॉटर दिलेलं असते तेवढंच ग्राम वॉटर असते, कारण वॉटरची डेन्सिटी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आहे। आणि त्याच्यामुळे कधी पण हे ट्रिक लक्षात ठेवा, जेवढं ml तुम्हाला वॉटर दिलेलं आहे तेवढंच ग्राम वॉटर असते, म्हणजे 500 ml वॉटर आहे म्हणजे 500 ग्राम वॉटर आहे, म्हणजे हे तुम्हाला डब्ल्यू वन दिलेलं आहे, ओके। के एफ दिलेला आहे, प्रोड्यूस डिप्रेशन, डिप्रेशन दिलं म्हणजे आपल्याला डेल्टा टी एफ दिलं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, आणि अमाउंट ऑफ युरिया आपल्याला काढायचा आहे। आता युरिया जर म्हटलं यानं तर युरियाचा फॉर्म्युला काय असते? युरियाचा फॉर्म्युला असते NH2CO NH2, हा फॉर्म्युला आहे। आणि याच्यासाठी जर तुम्ही यम टू काढला तर किती येणार? 60 येते बघा। नायट्रोजन काय, नायट्रोजनचा ऍटॉमिक मास किती असते? नायट्रोजनचा 14, 2 वेळा हायड्रोजन, कार्बन असते 12, ऑक्सिजन असते 16, नायट्रोजन 14 आणि 2 वेळा हायड्रोजन, आणि हे सर्व ऍडिशन करणार तर 60 येणार, ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन, ठीक आहे। म्हणजे यम टू आपल्याला माहित झाला 60 ग्राम पर मोल। आता आपल्याकडे यम टू चा फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला काय? यम टू इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 और डिवाइड में डब्ल्यू वन इंटू डेल्टा टीवी, हा फॉर्मूला है आपल्याजवळ, ठीक है। अब क्या होगा आगे? अब यम टू कितना है, यम टू कितना है देखो, यम टू हमने निकाला 60 है, उसके बाद के एफ कितना है? 1.86 है,
W2 कितना है वो तो हमें निकालना है इन 2000, और डिवाइड में W1 कितना है 500, और डेल्टा TF कितना है 0.186। अब देखो ये दो जीरो कैंसल, दो जीरो कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, ये शिफ्ट करो अभी, तो ये 60 इनटू होगा 0.186, डिवाइड में होगा 1.86 इनटू होगा 2, है ना, इनटू क्या होगा बच्चों 2, यहां पे बचेगा W2, शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये जीरो है तो ये पॉइंट एक से शिफ्ट होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 × 1.86 होगा, यहाँ पे नीचे होगा 1.86 और इनटू है बच्चों 2, 1.86 1.86 कैंसिल, 3 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, मतलब W2 का जो आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा, W2 3 होगा, और यूनिट क्या होता है ग्राम, है ना, मतलब ए आंसर करेक्ट होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल, चला सांगायचा आंसर काय असेल, येईल का की करून दाखवायचं, बघा थोडा न्यूमरिकलचा पार्ट आहे या चॅप्टर मध्ये, बघा काय येईल, प्युअर बेन्झीन फ्रीज ऍट, प्युअर बेन्झीन म्हणजे फ्रीज आहे, म्हणजे फ्रीजिंग पॉइंट आहे प्युअर, म्हणजे TF0 है ना, TF0 प्युअर साठी सर्टन प्लेस, बट 0.374 m, m म्हणजे मोलॅरिटी है ना, सोल्यूशन ऑफ टेट्राक्लोराइड इन बेन्झीन फ्रीजेस ऍट 3.55 डिग्री सेल्सियस, तर केएफ काय असेल बघा, तर हा सोल्यूशन म्हटलं त्यांना, म्हणजे हा टीएफ आहे, मग तुमच्याकडे डेल्टा टीएफचा फॉर्म्युला आहे, काय फॉर्म्युला असते केएफ इनटू मोलॅरिटी, तर सर्वात आधी तुम्हाला काय लागेल, सर्वात आधी तुम्हाला डेल्टा टीएफ लागेल। आम ऑडिबल बच्चों, ओके देखो देखो बच्चों, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ये डेल्टा टीएफ होता है केएफ इनटू मोलैरिटी, डेल्टा टीएफ आपको दिया है, केएफ निकालना है, मोलैरिटी आपको दिया है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेट ऐसे किया हमने, डेल्टा टीएफ 0 माइनस टीएफ 0 माइनस टीएफ, टीएफ 0 पता है, टीएफ पता है, यहां से डेल्टा टीएफ पता चला, वो यहां पे पुट किया, ये इसे नीचे शिफ्ट कर दिया बच्चों, ये पॉइंट एक से शिफ्ट किया, ये पॉइंट एक से शिफ्ट किया, तो ऊपर 19 नीचे 3.74, तो ये केएफ मिल जाएगा। अब 3.74 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आंसर 5 के करीब करीब आएगा, ए आंसर सही होगा बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल, चलो करो जल्दी जल्दी, देखो क्या दिया है, इफ 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है मतलब ये W1 है और ये 15 ग्राम सोल्यूट है मतलब W2 है, मेक्स अ सॉल्यूशन दैट फ्रीजेस एट -1.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -1.0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस सॉल्यूशन, मतलब ये क्या दिया है टीएफ सॉल्यूशन है ना, 30 ग्राम ऑफ सेम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल मेक अ सॉल्यूशन दैट फ्रीजेस एट, सॉल्यूशन कहां पे फ्रीज होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले तो वाटर है, तो वाटर के लिए हम टीएफ 0 बता सकते हैं, ये कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको टीएफ पता है, टीएफ 0 पता है, तो आप डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो, तो डेल्टा टीएफ होता है बच्चों, मैं यहां नीचे निकालता हूं, देखो पहले केस के लिए अगर मुझे डेल्टा टीएफ निकालना है तो डेल्टा टीएफ का आंसर होगा टीएफ 0 माइनस टीएफ, तो टीएफ 0 है 0 माइनस माइनस 1, तो ये आंसर आएगा 1, मतलब डेल्टा टीएफ 1 होगा बच्चों पहले केस के लिए। अब पहले केस के लिए देखो 15 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में डाला है,
तो यंग टू का फॉर्मूला होगा बच्चों के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू होगा 1000 और अपॉन में होगा डब्ल्यू वन इंटू डेल्टा टी एफ, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो यम टू कितना है, यम टू तो यहां पे हमें दिया तो नहीं है कुछ एम टू के बारे में बच्चों, है ना, सोल्यूट ही बोला है सिर्फ, यम टू दिया नहीं है। के एफ देखो तो वाटर सेम ही है, दोनों जगह वाटर है बच्चों, तो आपका के एफ भी सेम होगा। अब पहले केस के लिए अगर मैं एम टू लिखता हूं तो ये होगा के एफ, डब्ल्यू टू कितना है पहले केस के लिए देखो 50 इंटू 1000, और दूसरे के यहां पे डब्ल्यू वन कितना है 100 और डेल्टा टी एफ कितना है ये अभी अभी निकाला 1। अब मैं यम टू अगर दूसरे केस के लिए लिखता हूं, दूसरे केस के लिए यम टू, तो के एफ तो पता नहीं है। अब देखो बच्चों आगे, के एफ तो पता नहीं है देखो अभी, मतलब दिया नहीं है। अब इसके लिए क्या बोला है 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब ये डब्ल्यू टू दिया है, 100 ग्राम वाटर मतलब डब्ल्यू वन दिया है, और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो देखो डब्ल्यू टू कितना है 30 इंटू होगा बच्चों 100 1000, नीचे होगा डब्ल्यू वन कितना है 100 और डेल्टा टी एफ हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखो डिवाइड कर लो, एम टू कैंसल, के एफ कैंसल होगा, तो बचेगा क्या वो देखो बच्चों, यहाँ पे बचेगा 15 अपॉन 15 इंटू 1000। ठीक है, नीचे आएगा 100, ये 100 भी कैंसिल होगा बच्चों, देखो ये 100 भी कैंसिल होगा, 100 100 भी कैंसिल, तो इस तरफ ये बचा है, उसके नीचे ये वाला पार्ट है, तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा बच्चों तो ये डेल्टा टी एफ, ये वाला पार्ट उल्टा होगा, डेल्टा टी एफ ऊपर जाएगा 30 इंटू 1000 नीचे आएगा, है ना, 30 इंटू 1000 नीचे आएगा, और इस तरफ बचेगा बच्चों 1, क्योंकि एम टू कैंसिल हुआ तो कितना बचा है 1। अब देखो ये 1000 1000 भी कैंसिल होगा, 15 वन जा 15 टू जा, मतलब डेल्टा टी एफ कितना होगा, डेल्टा टी एफ होगा बच्चों 2, लेकिन हमें डेल्टा टी एफ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है सोल्यूशन फ्रीजेस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है बच्चों टी एफ 0 माइनस टी एफ, तो टी एफ ये है 2 और टी एफ 0 वाटर के लिए कितना होता है 0 माइनस है टी एफ, तो क्या होगा ये माइनस टी एफ इधर आएगा तो प्लस टी एफ और 2 इधर जाएगा तो -2, मतलब आपका जो आंसर होगा बच्चों वो -2, बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बी आंसर करेक्ट होगा बच्चों। चलो अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन होता है ये पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी, या फिर बच्चों आपने पाई इज इक्वल टू एन टू अपॉन वी कर दिया, आगे आर टी लगा दिया, एन टू अपॉन वी मतलब होगा बच्चों मोलैरिटी, मतलब पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर एन टू को बच्चों आपने यहां पे पाई इज इक्वल टू एन टू को अगर आपने डब्ल्यू टू अपॉन एम टू लिख दिया और ये नीचे है आर टी अपॉन वी, तो एम टू मिलेगा, तो एम टू कितना होगा देखो, एम टू इधर शिफ्ट करो तो यहां पे बचेगा डब्ल्यू टू आर टी और नीचे आएगा बच्चों पाई वी, है ना, डब्ल्यू टू आर टी नीचे आएगा पाई वी, ओके, मतलब ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये फॉर्मूला होगा बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये वाला फॉर्मूला होगा। अब ये जो मास होता है ये ग्राम में होता है और वॉल्यूम बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब इस पे सवाल पूछा गया है, चलो बताओ इसका आंसर, सवाल पूछा गया है बच्चों इस पे, सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। नहीं, डिलीटेड सिलेबस नहीं है करण, ठीक है, जो डिलीट है वो सीडी में नहीं है। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट विच परमिट द पैसेज ऑफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या पास हो सकता है बच्चों, किसे परमिशन देता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है बच्चों, ओके, सोल्यूट को परमिशन नहीं देता। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल चलो बताओ इसका क्या होगा।
क्या होगा इसका? देखो, विच इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? कॉपर कौन है? कॉपर फेरोसाइनाइड, वो चाहिए था। कॉपर फेरोसाइनाइड यूज होता है बच्चों, क्या यूज होता है? कॉपर फेरोसाइनाइड यूज होता है। अगला अगला ये वाला करो बच्चा, सोल्यूशन विद इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है बच्चों, तो ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, तो ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, और हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है बच्चों। करण इसी टाइम पे होता है 5 PM को। अगला सवाल ये वाला देखो बच्चों, थोड़ा अलग है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन केन शुगर, केन शुगर का मॉलिकुलर वेट दिया है बच्चों, मतलब M2 दिया है हमें, केन शुगर है और 5% सोल्यूशन है बच्चों उसका, और 15 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर दिया है। 15 में 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट होगा, 288 केल्विन है ना, केल्विन में कन्वर्ट होगा। अब देखो, और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, इज है ना, मतलब पाए निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो पाए का फॉर्मूला होता है बच्चों, पाए का फॉर्मूला क्या होता है? W2 RT / M2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाए का नहीं, किसका फॉर्मूला होता है? M2 का। क्या फॉर्मूला है बच्चों? M2 का फॉर्मूला होता है W2 RT / πV। इथं आपल्याला काय दिलं बघा, 5% सोल्यूशन म्हटलं त्यांना, म्हणजे 5% सोल्यूशन आहे याचा अर्थ तुम्हाला परसेंटेज मास बाय व्हॉल्यूम दिलेला आहे। काय दिलेला आहे? परसेंटेज मास बाय व्हॉल्यूम, मास बाय व्हॉल्यूम है ना, आणि हे किती दिलेला आहे तुम्हाला? 5। तो मास बाय व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय असते? W2 इन ग्राम है ना, मास कशामध्ये? ग्राम मध्ये, आणि व्हॉल्यूम कशामध्ये असते? इन व्हॉल्यूम कशामध्ये असते? व्हॉल्यूम असते तुमचा इथं, सांगा पटापट, कशामध्ये असते व्हॉल्यूम? ML मध्ये असते। कशामध्ये असते? ML मध्ये असते। आणि याचा आंसर परसेंटेज बाय व्हॉल्यूम किती दिलेला आहे तुम्हाला? 5 दिलेला आहे। ठीक आहे, किती दिलेला आहे तुम्हाला? 5 दिलेला आहे, म्हणजे 5/ याला जर कंपेयर केलं आपण, तर याचा आंसर तुम्हाला 5 दिलेला आहे। याचा अर्थ काय? हे 5/1 आहे। काय? 5/1, म्हणजे इथं W2 किती आहे? 5 ग्राम, आणि व्हॉल्यूम किती आहे? 1 ML। व्हॉल्यूम किती आहे? 1 ML। आता व्हॉल्यूम 1 ML आहे, म्हणजे 10^-3 लिटर आहे। ML ला लिटर मध्ये कन्वर्ट केलं, ML ला लिटर मध्ये कन्वर्ट केलं 10^-3। मग आता तुम्ही इथं आंसर पुट करा, काय असेल तुमचा आंसर? इथं जर पुट केलं, M2 किती आहे? 342। W2 किती आहे बघा? W2 तुम्हाला दिलेला आहे 5। R किती असते बघा? जेव्हा प्रेशर ATM मध्ये आहे, व्हॉल्यूम लिटर मध्ये आहे, तेव्हा तुमचा R असते 0.0821 है ना, आर ची व्हॅल्यू हे वापरायची आहे तुम्हाला। आणि टेम्परेचर आहे 288, आणि डिवाइड मध्ये पाय तुम्हाला माहित नाही, आणि व्हॉल्यूम किती आहे? 10^-3। पाय काढायचा, इकडे शिफ्ट करा, इकडे होणार 5 × 0.0821 × 288, 10^-3 वरती गेला तर +3, आणि पाय इकडे शिफ्ट केल्यानंतर 342 खाली येणार, 342 खाली येणार। ओके, तर आता हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे, इथून तुम्हाला पायचा आंसर भेटेल। कशाचा आंसर भेटेल तुम्हाला? पायचा आंसर भेटेल, करेक्ट आहे का? ओके, आणि हे आंसर असेल तुमचा 3.46। किती असेल? 3.46। सॉल्व करावं लागेल तुम्हाला। करता येईल? चला
पुढचा प्रश्न बघा, शेवटचा प्रश्न आजचा, म्हणजे आपलं हे चॅप्टर संपून जाईल. उद्यापासून आपण आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करू. बघा शेवटचा प्रश्न. अ सोल्यूशन हॅज ऑस्मॉटिक प्रेशर. ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे पाय दिलं, ऍट 300 केल्विन म्हणजे तुम्हाला टेम्परेचर दिलं, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वुड बी म्हणजे यम तुम्हाला काढायचं आहे कॉन्सन्ट्रेशन. तर फॉर्म्युला असते पाय इज इक्वल टू एम आर टी, हा फॉर्म्युला आहे. तर तुमच्याकडे पाय किती आहे पा 0.821, यम किती आहे माहिती नाही, आर किती असते बघा जेव्हा प्रेशर तुमचं एटीएम मध्ये आहे तेव्हा आर असते 0.0821 आणि टी किती आहे 300. बघा हा 0.0821 कॅन्सल होणार, आता हा 300 इकडे शिफ्ट होणार म्हणजे इथं 1 च्या डिवाइड मध्ये 300 आणि इथं येणार यम. आता 1 च्या डिवाइड मध्ये 300 म्हणजे हे असं झालं 1/3 10^2 हा झाला तुमचा यम. 10^2 जर वरती मल्टिप्लाय केला तर 10^-2 आणि खाली 3 हा झाला यम. आता 1/3 म्हणजे असते 0.333 आणि 10^-2 आला म्हणजे यम. आता पॉइंट 2 न शिफ्ट होणार, ठीक आहे, हा पॉइंट 2 न शिफ्ट करायचा आहे तुम्हाला. आता आंसर काय होईल 1/3 किती असते 0.33 असते ना. ओके रॉंग झाला कुठे, 1/3 आहे. 1/3 किती असते 0.333 10^-2 0.821 0.8. हा इथं रॉंग झालं, ठीक आहे 2 मिनिट, इथं रॉंग झालं. काय रॉंग झालं बघा, इथं 0.0821 होत ना, तर मला काय करावं लागेल हा 0.821 आहे आणि खाली हा 0.0821 आहे इंटू 300 आहे आणि इथं यम आहे. ओके मग आता बघा हा 0.08 आहे म्हणजे हा पॉइंट मला 1 न शिफ्ट करायचा आहे म्हणजे हा 0.0821 झाला तर 10^1 येणार आणि खाली 0.0821 इंटू 300 आणि हा असेल यम. आता हा कॅन्सल होईल, ठीक आहे, आणि हा वरती 10 खाली झाला 300 इथं येणार यम. आता 0 0 कॅन्सल 1/3 1/30 है ना 1/30. आता 1/30 हा तुमचा यम असेल मोलार कॉन्सन्ट्रेशन आणि हे आन्सर जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर ते आन्सर येणार तुमचं डी 0. किती येणार यमचा आन्सर 0.0333. कॅल्क्युलेट करून बघा हा तुमचा यम असेल, ठीक आहे. तर इथं आपण हे चॅप्टर कंप्लीट केलं, पुढच्या क्लासपासून आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करणार आहोत. ओके बाय बाय.